प्रॉब्लम so, है जी हमारे पास कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट के ऊपर यानी जब आप बैंक में कुछ पैसे जमा कराएंगे डिपॉजिट के तौर तो पे तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट देगा जो बैंक इंटरेस्ट ऑफर करते हैं यानी जिसको आप फायदा कह सकते हैं प्रॉफिट चले कहते हैं ठीक है चले हम बात करते हैं जी के मिसेज जवेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम रुपीज एट हंड्रेड पर एन एम मिसेज जावेद है जो बैंक में यानी सेविंग स्कीम है उनकी उसमें वो इन्वेस्ट करती हैं आठ सौ रुपया एट सिक्स परसेंट पर एनम का मतलब साल में जितने भी पैसे जमा कराएंगे उसके ऊपर सिक्स परसेंट मिलेगा पर एन ठीक है एन रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एट सेवन परसेंट पर एन एन और बारह सौ रुपया जमा कराती है ठीक है सात परसेंट पर एन एम पे एट हंड्रेड सिक्स परसेंट पर एन पे है और ट्वेल्व हंड्रेड सात परसेंट पर एन एम पे यानी सात परसेंट प्रॉफिट होगा वट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स ठीक है सबसे पहले देखते हैं हम टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ए इसको कह लें ए को कह लें इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्टमेंट ए एंड द सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट बी इन्वेस्टमेंट बी ठीक है इन्वेस्टमेंट बी चले इन्वेस्टमेंट ए क्या है इन्वेस्टमेंट ए कितनी है 800, रुपीज एट हंड्रेड एट सिक्स पर हैं। क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है ठीक है स्ट्रेट अवे मीनिंग है कि हर सौ रुपए पे हर सौ रुपए पे हर सौ रुपए पे छ रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हर सौ रुपए पे छ रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ठीक है और एट हंड्रेड जो है वो टोटल पैसे आप देखिए एट हंड्रेड में सौ कितनी दफा आ रहा है डेफिनेटली आप एट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करें तो आपके पास जो है वो एट हंड्रेड आता है ठीक है एट हंड्रेड आता है इससे अब हर सौ रुपए के अगेंस्ट आपको छः रुपये मिल रहे हैं तो अब सौ कितनी दफा आ रहा है आठ दफा तो ए टाइम सिक्स कितना आ जाएगा रुपीज़ फोर्टी एट रुपीज फोर्टी एट अब चूंकि एक साल के लिए करा रहे हैं तो इसका मतलब है अड़तालीस रुपये जो है वो इस इन्वेस्टमेंट पे एडिशनल मिलेंगे और इस इन्वेस्टमेंट पे देखें तो वो कहता है जी ट्वेल्व हंड्रेड रुपीस ट्वेल्व डिफरेंट कलर में करते हैं रुपीस ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एट सेवन परसेंट सेवन परसेंट पर है? हर साल सात परसेंट मतलब क्या हुआ सात रुपए हर सौ के पीछे सात रुपए मिलेंगे और आपने बारह सौ जमा कराए हैं ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है अब ट्वेल्व हंड्रेड पे सेवन परसेंट का क्या मतलब हंड्रेड के देखें ट्वेल्व मल्टीप्लाई हंड्रेड यानी 1200 में कितने 12 आते हैं कितने 100 आते हैं 1200 में कितने 100 आते हैं 12 तो हर सौ रुपए के पीछे सात रुपए एक्सट्रे तो उसका मतलब है 12 टाइम सेवन इज इक्वल टू एटी फोर रुपीज एटी फोर रुपीज आपको इस इन्वेस्टमेंट में मिलेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया टोटल प्रॉफिट आफ्टर वन ईयर कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे ठीक है रुपीज रुपीज जस्ट एक इंट्यूशन बेस था ठीक है ये रुपीज फोर्टी एट प्लस रुपीज एटी फोर 84. तो इन दोनों को ऐड अगर हम कर दें तो हमारे पास कुछ आंसर किस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है ये बन जाएगा आठ से बारह दो लाख है पंद्रह रुपीज वन फिफ्टी टू हमें जो है वो मिल जाएंगे रुपीज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू एक साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा अब जो बुक्स में डेफिनेटली आप कह देते हैं जी टोटल इन्वेस्टमेंट इज दिस वन ठीक है यानी जो इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली सर यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन था इसकी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है इसकी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी उसमें क्या हो जाएगा यू नो you know, आप लिखेंगे जी के मतलब यू you नो know, प्रॉफिट 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 ऑन प्रॉफिट ऑन किसके ऊपर आप यू नो ₹800 रुपीज, रुपीज ₹800 एट 6% तो वो कितना आ जाएगा वो डेफिनेटली आप principal amount, principal amount कौन सी होती है जो आपने जमा कराई है ठीक है मल्टीपल टाइम टाइम कितना है one year है डेफिनेटली और रेट कितना है rate है rate in या rate कितना है सिक्स परसेंट इन तीनों को जरब कर दो तीनों को मल्टीप्लाई करा दो प्रिंसिपल है एट हंड्रेड एंड टाइम है वन ईयर मल्टीपल रेट है six percent. Six percent वाले six इन सबको सॉल्व करोगे तो एक का आ जाएगा इसी तरह दूसरे का भी आएगा उन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा